हे गाइस, तो स्वागत है आपका लेसो क्रिकेट चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो कल का मैच हुआ आरसीबी और आरआर के बीच में, पहले उसके बारे में, और फिर आज प्रीव्यू करेंगे सीएसके और एसआरएच का मैच। तो कल आरआर ने बनाए 149 रन्स और आरसीबी ने ये मैच जीता 7 विकेट से। काफी आसानी से ये मैच जीत लिया, जैसे भरत और मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल, और आप देखिए कि आरआर ने जो हमारे बेंगलोर ने मैच जीता वो 3 ओवर बाकी रह गए। और जैसे आपको देखने को मिला होगा कि आरआर ने स्टार्ट काफी अच्छा किया, एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल दोनों ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, सुपर बैटिंग किया था और बहुत ही एग्रेसिव स्टार्ट दिया था। कुछ 100 रन बना दिए थे कुछ 10 या 11 ओवर में, और वहां से फिर 20 ओवर में उनके सिर्फ 150 रन लगे। वो बहुत ही पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस बोलेंगे हम, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में किसी ने रन नहीं किया और किसी का 20 रन भी नहीं है। और आरआर के बॉलर्स भी काफी महंगे साबित हुए। क्रिस मॉरिस जो ये आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर है, उन्होंने 12.5 की इकोनॉमी से मार खाया। 4 ओवर 50 रन बहुत ज्यादा है जब आप 150 रन डिफेंड कर रहे हो, तो स्पेशली तो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप तो ऐसे आरआर ने और डिफिकल्ट कर दिया अपना जो फोर्थ स्पॉट की रेस के लिए, और डिफिकल्ट कर दिया उनका पोजीशन। और ये नेट रन भी उन पे भी उनको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि 17 ओवर में चेस कर दिया है, तो ये उनको वहां पे भी काफी मार पड़ी होगी। लुइस ने बनाए 58 रन सिर्फ 37 गेंद में। जैसे कि हमने कल बात की थी कि लुइस ऐसे खिलाड़ी है जो अगर रन करेंगे तो 25-30 पे आउट नहीं होंगे, वो बड़ी 50 करेंगे। तो उन्होंने 58 किया और काफ़ी शानदार स्टार्ट दिया था, पर वो एक अच्छे बॉल पे आउट हो गए और इसलिए 58 पे आउट हो गए। वरना वो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो 70-80 बनाएंगे। अगर उतने करते तो राजस्थान का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत जाती मैच, पर काफ़ी उनका अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल बनता। बिल्कुल, और थोड़ा मैच तगड़ा होता, इतना वन साइडेड मैच नहीं होता। और आज आरसीबी में अच्छी बॉलिंग की हर्षल पटेल ने, वापस से 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं था, वापस से लास्ट ओवर में वेरिएशंस के थ्रू उन्होंने 3 विकेट चटकाए। तो आप देखिए कि हर्षल पटेल कितने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं। और यूजी चहल ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। बिल्कुल, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए। कल हम लोग ने जो बोला था जो डिफरेंशियल प्लेयर रहेंगे वो यूजी चहल, उन्होंने साबित किया है और वो अच्छे फॉर्म में है। एक अपना प्रूफ करना चाह रहे हैं कि उनको क्यों लेना चाहिए और क्या क्या लाते हैं वो टीम के लिए। वापस से पर उन्होंने प्रूव करके दिखाया, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। और मिलियन डॉलर बेबी मैक्सवेल, क्या बात है, क्या शानदार बैटिंग किया है मैक्सवेल ने। आप जब से वो आए थे, जैसे विकेट गिरा हमारे विराट कोहली का, तब से मैक्सवेल ने आके जो मारना शुरू किया है। शुरुआत में सेंसिबल खेले, बहुत अच्छा मैच्योरिटी दिखाया उन्होंने, और फिर जब उनको पता चल गया कि अब उनके मैच उनके पकड़ में आ गया है, तो जो उन्होंने धोया है क्रिस मॉरिस को, बहुत मजा आया देखने में। हम बात करेंगे, 2 इम्पोर्टेंट विकेट चटका थे शाहबाज अहमद ने भी, 2 ओवर डाले उन्होंने, 10 रन देके 2 विकेट, पर 2 बड़े विकेट चटकाए थे उन्होंने। आउट किया था संजू सैमसन को और राहुल तेवटिया को, जो दोनों ही हम जानते हैं कि लास्ट में काफी, अगर थोड़े भी बैटिंग करते हैं, बॉल खेल जाते हैं तो काफी ज्यादा मारेंगे। तो गाइज यही था रिव्यू हमारे आरआर और आरसीबी का। तो अभी हम आ जाते हैं सीएसके और एसआरएच का। ये मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जीते या कोई भी हारे। एसआरएच जो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और सीएसके जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। और एक स्टैट हमारे पास कि एसआरएच 2016 से सारे प्लेऑफ्स खेले, यही साल है जिसमें वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और इसमें दोष देना है तो सिर्फ आप टीम मैनेजमेंट का ही दे सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में पहले 1-2 मैच से ही उन्होंने बहुत टीम में चेंजेस किए हैं, बहुत खराब डिसीजंस लिए, तो उन्हीं की गलती की वजह से इस बार एसआरएच क्वालिफाई नहीं हुई। और लास्ट मैच वो जीते तो फिर थोड़ा सा रिलीफ रहेगा टीम में, माहौल भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और उनको यंगस्टर्स को भी काफी चांस दिया था लास्ट मैच में। और सीएसके काफी अच्छे फॉर्म में लग रही है टीम, काफी डेंजरस टीम लग रही है ये सीजन, बहुत स्ट्रांग लग रही है। और सबको अपना रोल पता है, सारे प्लेयर्स को अपना रोल पता है कि किसको क्या करना है। बिल्कुल, और कोई भी प्रेशर में नहीं खेलता है, सब एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, और जब टीम को मजा आ रहा होता है खेलने में, एंजॉय करके खेलती है, तब उनको हराना बहुत मुश्किल होता है। और सीएसके ये सीजन खाली 2 मैच हारा है, मतलब आपको पता है कितना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रही है वो। बहुत सही बात है। और शारजा जैसे सभी दर्शकों को देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा छक्के लगेंगे, इस बार सेकंड हाफ में वैसे देखने को मिला नहीं है, विकेट काफी स्लो रहा है और थोड़ा सा ट्रिकी विकेट रहा है, और बैटिंग करने के लिए बहुत मुश्किल विकेट साबित हो रहा है। आप स्कोर भी देखिए, बहुत कम स्कोर बन रहे हैं, 125-30, 150 भी बनना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और हेड टू हेड में सीएसके 11 बार जीता है और एसआरएच 4 बार जीता है, तो इसमें सीएसके का पलड़ा काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी है, कोई मुकाबला नहीं। और लास्ट टाइम जब तीनों 3 मैच सीएसके जीता है एसआरएच के सामने, जितनी भी बार ये टीम भिड़ी है जी, तो मतलब काफी डोमिनेट करके खेलते हैं एसआरएच के सामने।
पर जो कंटेस्ट देखने को मजा आएगा वो राशिद खान और एम एस धोनी को देखने को मजा आएगा, क्योंकि राशिद खान काफी कसी हुई गेंदबाजी डालते हैं और एम एस धोनी का स्ट्राइक रेट 100 के नीचे है राशिद खान के सामने। और सही बात है, और आप देखिए कि राशिद खान जो भले सी एस के जीत जाती है हर बार एसराज के सामने, पर राशिद खान का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है सी एस के सामने, तो इस बार भी वापस वो ट्राई करेंगे कि सिंगल हैंडेडली मैच जीता है एसआरएच को। और जो दीपक चहर है जो आप पावर प्ले स्पेशलिस्ट मान सकते हो, वो 6 में से 5 मैच में विकेट लेस रहे पावर प्ले में, तो वो सीएसके के लिए थोड़ा लैप्स है पावर प्ले में। बिल्कुल, और वहीं पे कैपिटलाइज कर सकते हैं जेसन रॉय और वृद्धिमान शाह, बिल्कुल वहां पे वो सीएसके को थोड़ा झटका पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ऋतुराज और फाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे, दोनों बहुत बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप दे रहे हैं सीएसके के लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि सारे जो बड़ी टीम्स जो अभी परफॉर्म कर रही है उनके सारे ओपनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए सीएसके के ऋतुराज और फाफ हो गए, डीसी के लिए और पृथ्वी और शिखर हो गए, कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल हो गए, काफी अग्रेसिव स्टार्ट दे रहे हैं, काफी एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे रहे हैं, तो इसलिए फाफ और ऋतुराज का ज्यादा बड़ी बात इसलिए क्योंकि वो लोग लंबा बैटिंग करते हैं, अगर कोई 50 करता है तो वो लास्ट तक खींच के लेके जाता है। और केन विलियमसन का रिकॉर्ड सीएसके के सामने काफी अच्छा है, 46 के ऊपर एवरेज है उनका बैटिंग एवरेज। बिल्कुल, और वो बहुत ही सुलझी हुई बैटिंग करते हैं, और लास्ट मैच उन्होंने ही जिताया है अच्छा बैटिंग करके, तो अच्छे कॉन्फिडेंस में होंगे, अच्छे माइंड जोन में होंगे। बिल्कुल, तो गाइज हम आ जाते हैं हमारे डीम इलेवन के सेक्शन पे, तो आज हमारे टॉप पिक्स रहेंगे एसआरएच के, पहले बात कर लेते हैं, तो आप जेसन रॉय को फिर से बैक कीजिएगा अच्छे फॉर्म में, आईपीएल में वापस अगले साल उनको होगा कि कोई टीम उनको पिक करे, फिर आप अभिषेक शर्मा को भी बैक कर सकते हैं, बॉलिंग भी डालते हैं 2-3 ओवर डाल के दे सकते हैं, बैटिंग भी अच्छा 2-3 छक्के लगा दिए आपको पॉइंट 40-50 दे सकते हैं, अब्दुल समद सेम बैटिंग बॉलिंग दोनों, और पेस बॉलर में भुवनेश्वर कुमार बुई, या बुई ने काफ़ी परेशान किया है सीएसके के बैट्समैन को डेथ में, तो वापस से ट्राई करेंगे, और अगर 2-3 विकेट निकाल लिए तो भुवनेश्वर कुमार सबकी टीम में नहीं रहेंगे क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव है। फिर चेन्नई में आते हैं, राशिद खान को ड्रॉप करने की गलती मत कीजिएगा, राशिद खान को जरूर पिक करना और उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो एक्स फैक्टर प्लेयर है, वो जब कर गए तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दिलाएंगे आपको। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस बहुत जरूरी प्लेयर है, दोनों ही बहुत कंसिस्टेंटली रन करते हैं। आप मिडल ऑर्डर में क्या कहना चाहोगे, सीएसके के मिडल ऑर्डर में रायना है रायडू, इनमें से किसी एक को पिक करना सही रहेगा कि नहीं? मैं पिक करूंगा रायडू को, क्योंकि रायडू अभी कुछ 40 या 30 भी किया था तो फॉर्म में है और मार के खेलते हैं, तो अगर सीएसके का जल्दी विकेट गिरता है तो वो फिर आके पारी भी अच्छा संभालते हैं। बिल्कुल, कंप्लीट बैट्समैन है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो आप रायडू को पिक कीजिए तो आपको वो मैच जिता के दे सकते हैं क्योंकि वो कम बॉल में ज्यादा रन करेंगे। और सर जडेजा को लेना मत भूलना। बिल्कुल, और आप सैम करन को भी बैक कर सकते हैं, वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है तो शायद ये मैच में परफॉर्म। मैं बोलूंगा इसमें डिफरेंशियल रहेंगे जॉश हेजलवुड। हाँ, हेजलवुड काफी कम लोग पिक करते हैं और वो बहुत कंसिस्टेंट है अपनी लाइन और लेंथ के साथ। और शार्दुल ठाकुर को भी ले सकते हो आप, वो भी काफी कंसिस्टेंटली विकेट चटकाते हैं। हाँ, और वो भी हम देख चुके हैं इंग्लैंड सीरीज में, बहुत एक्सपेक्टेड प्लेयर है। तो गाइज यही था हमारा प्रीव्यू एसआरएच और सीएसके का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक यू।